हेलो स्टूडेंट्स, लेट शो द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दिए, बताना है हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है. फर्स्ट वन इज मीजोजोम इज एसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. ये तो सही दिया हुआ है. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो मीजोजोम्स है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर की तरफ हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन होता है एंड बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स. तो ये अगर हम देखें जैसे कि ये सेल वॉल है, सेल वॉल अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कुछ इनफोल्डिंग्स, जैसे यहाँ पे अंदर की तरफ एक्सटेंशन जो है सेल मेम्ब्रेन का, उसे हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं. जो कि वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लैमेले के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूबुल फॉर्म में भी हो सकते हैं. तो ये क्या है, मीजोजोम्स. मीजोजोम्स और मीजोजोम्स जो है ये कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ये जो है जैसे कि जो सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ, देन सेल का डिवीजन जो हुआ, इसके अलावा अगर हम देखें रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है. तो ये जो है, ये तो सही दिया हुआ है कि ये जो एसेंशियल इनफोल्डिंग्स है सेल मेम्ब्रेन के, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में है. नेक्स्ट वन इज प्लास्मिड इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए दैट इज कॉमन बिटवीन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जैसे बैक्टीरियल सेल जो होते हैं, इनमें सर्टेन बैक्टीरिया में अगर हम देखें, सारे बैक्टीरिया में अगर हम देखें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए तो है, लेकिन सर्टेन बैक्टीरिया में इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट है. इसके अलावा जो है ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्मिड बोल रहे हैं, और इसी को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल रहे हैं. ये जो प्लास्मिड है इसकी अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया में, सर्टेन बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट है, उनके फीचर्स है ये. तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं, कॉमन यहाँ नहीं कह सकते कि दोनों में कॉमन है, गलत दिया हुआ है. इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी क्रोमेटोफोर्स कंटेन पिगमेंट्स. ये तो करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं इनमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन जो है उससे क्या फॉर्म होता है, क्रोमेटोफोर है, जो कि जिसके अंदर क्या होगा, पिगमेंट कंटेन होगा. ये जो क्रोमेटोफोर क्या होता है, पिगमेंट कंटेनिंग होगा ये, और ये जो है किसमें हेल्प करता है, ये एक तरह से फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है. तो ये तो सही दिया हुआ है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफ्रेंशिएट्स सेलुलर स्पेस इंटू ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ये तो करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें ये जो है मेम्ब्रेन है, इसका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कर रहा है कि सेलुलर स्पेस को डिवाइड कर रहा है. मेम्ब्रेन के बाहर वाला क्या होगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो है स्पेस वो कौन सा, ल्यूमिनल. तो ये वाला तो सही है. तो पूछा गया कितने करेक्ट है, तो 1, 2, 3 तीन ही करेक्ट है यहाँ पे. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन, दैट इज 3. 4 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.